बारी है समंदर और उसके इजिप्ट की। कहाँ है तू इजिप्ट? आ जा। अरे तूने ही कहा था ना जहां समंदर सिंह वहां उसका इजिप्ट। इजिप्ट Guys, cheer for Egypt! 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 संगीत और शादी जब पास आने लगता है, इनिशियली ड्यूअल गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे इमोशनली कि उसके सामने एक जब अकेला रहता है तो जैसे जैसे एक्चुअल यू नो वक्त जब पास आता है तो नॉट एबल, तो वो कोने में बैठ जाता कहीं बैक स्टेज कहीं यू नो या वेटर्स के साथ कहीं बैठ जाता वो, और पर ये इतना चिल्ला चिल्ला कर माइक पर देन ही बिकम्स हेल्पलेस। नहीं पड़ेगा यार, इडियट 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 ऐसे बुला रही हूं मैं, तो आना ही पड़ेगा, इसलिए तो आया हूं। अच्छा, और इस गाने के बारे में नील की क्या रिएक्शन, मुझे इन्होंने रिएक्शन दे दिया। क्या रिएक्शन है इस गाने को लेकर? सच्ची बात यह है, असलियत यह है कि फर्स्ट टेक में जो हुआ अच्छा हुआ, उसके बाद इसका टेक में बिगाड़ रहा था, इसलिए फॉर्चुनेटली फर्स्ट मुझे भी नहीं पता फर्स्ट टेक में कैसा अच्छा हुआ, लेकिन वन टेक में सब कुछ सही हो गया था। एक्चुअली पहला टेक हमेशा सही होता है क्योंकि तब हम प्लान करके नहीं आते ना, अगर पहले टेक में कुछ अच्छा करे ना तो दूसरे टेक में भी वही करना चाहते हैं। हाँ, आप रिपीट कर, और वो रिपीट के चक्कर में ना खिचड़ी बन जाती है। तो सेकेंड टेक में हमने एक डिसीशन लिया, जैसे फ्रेंड्स ने भी अच्छा सजेशन दिया, मेरा क्लोज वाला कैमरा काट ही दिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी वैसे भी मिल चुका था, ताकि मैं इसका टेक ना बिगाड़ू, बिकॉज आई वाज फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स एंड सो सिर्फ इसका क्लोजअप लिया उसने एंड वी जस्ट फाइनली ऑलमोस्ट मैनेज। ऑफकोर्स आई थिंक बगैर ड्रामा मज़ा नहीं आता है लाइफ में, तो ड्रामा बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप देख रहे हो और आप किसी को एंटरटेन करना चाहते हो तो ड्रामा बहुत ज़रूरी होता है। जी जी नहीं, वो बहुत कंफर्टेबल है। आई थिंक जो लड़की जीन्स पैंट पहनती है वो लड़की इंडियन आउटफिट्स भी पहनती है, इसका ये मतलब नहीं अगर वो हमेशा आपको
जीन्स या स्कर्ट या वेस्टर्न आउटफिट्स में दिखाई देती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडियन आउटफिट्स नहीं पहनती है या वो कंफर्टेबल नहीं है। जितना वो वेस्टर्न आउटफिट्स में कंफर्टेबल है समायरा, उतनी ही कंफर्टेबल इंडियन आउटफिट्स में भी है। इट्स ऑल अबाउट द वे यू कैरी ऑफ अ सर्टेन आउटफिट एंड अ सर्टेन अटायर। एंड आई थिंक to all my audiences and all my fans, thank you so much for loving me. And I always say thank you so much for loving me. I think the thank yous aren't enough. The support, the kind of love you all have given me, I think it's overwhelming. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा कि हाँ बहुत सालों बाद मैं एक डेली शो करने वाली हूँ, देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा है होगा, विल पीपल एक्सेप्ट मी फॉर व्हाट आई एम डूइंग। एंड सब ने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया है और मैं बस थैंक यू ही कहना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक आई कान से बियॉन्ड बिकॉज आई एम स्पीचलेस एवरी टाइम यू सेंड मी दीज लवली मैसेजेस एंड ट्वीट्स एंड दिल भर जाता है मेरा। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।